दृष्टि आईएएस के डेली करंट न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। डेली करंट न्यूज में चर्चा का विषय है लॉरेस विश्व खेल पुरस्कार 2021। सेविले स्पेन में कल लॉरेस विश्व खेल पुरस्कार 2021 के विजेताओं की घोषणा की गई। कोविड-19 महामारी के कारण इस साल के लॉरेस विश्व खेल पुरस्कार कार्यक्रम का आयोजन वर्चुअली किया गया। स्पेन के धुरंधर टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने इस वर्ष का स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता, जबकि स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार का जापान की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने कब्जा किया। राफेल नडाल का यह कुल चौथा लॉरेस विश्व खेल पुरस्कार है। इससे पहले वह कॉमबैक, ब्रेक थ्रू और पुरुष एकल वर्ग का भी पुरस्कार जीत चुके हैं। नाओमी ओसाका भी वर्ष 2019 में लॉरेस विश्व खेल पुरस्कार का ब्रेक थ्रू पुरस्कार जीत चुकी है। इस वर्ष का टीम ऑफ द ईयर का लॉरेस पुरस्कार जर्मनी के फुटबॉल क्लब बेयर म्यूनिख ने जीता। ब्रेकथ्रू ऑफ द ईयर का लॉरेस पुरस्कार अमेरिकन फुटबॉलर पैट्रिक महोमेस ने, जबकि कॉमबैक ऑफ द ईयर का लॉरेस पुरस्कार कनाडा के स्नोबोर्डिंग खिलाड़ी मैक्स पैरेट ने जीता। स्पोर्ट फॉर गुड का लॉरेस पुरस्कार जर्मनी के फुटबॉल क्लब किक फॉर मोर बाय किक फेयर ने जीता। इस वर्ष ये पुरस्कार उपरोक्त 6 वर्गों के अतिरिक्त 4 और अन्य वर्गों लाइफ टाइम अचीवमेंट, एथलीट एडवोकेट, स्पोर्टिंग इंस्पिरेशन और स्पोर्टिंग मूवमेंट्स के लिए भी दिए गए हैं। हर वर्ष दिए जाने वाले लॉरेस विश्व खेल पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 2000 में हुई थी। ये पुरस्कार 6 वर्गों स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्स विमेन, टीम, कॉमबैक, ब्रेक थ्रू और स्पोर्ट फॉर गुड में दिए जाते हैं। पुरस्कारों के विजेताओं का चयन लगभग 70 देशों के 1000 से ज्यादा स्पोर्ट्स मीडिया के मतदान के आधार पर होता है।